आपने इल्म हासिल किया आपने कुछ सीखा क्या उस पर अमल कर रहे हैं? आपको पता चला ये अल्लाह का एहसान है अल्लाह जिसके साथ अच्छे का इरादा करता है उसे दीन की समझ देता है लेकिन पता चलने के बाद अमल करना चाहिए ना कितने सारे लोगों को मालूम ही नहीं है अल्लाह ने आपको इल्म दिया तो पता चला आप उस पर अमल करें मेरे भाइयों और मेरी बहनें मैं आपको दो खतरनाक हदीसें इस बारे में बताना चाहता हूँ पहली हदीस तिरमिज़ी में प्यारे नबी मोहम्मद ने फरमाया ला फरमायाबी क्या आदम की औलाद अपना नहीं हिला पाएगा अपने रब के आगे यहां तक आके पांच चीजों का जवाब ना दे दे और उसमें पांचवी चीज है माजा अमिला फीमा अलीमा जो तुम्हारे पास इल्म था उस पर अमल कितना किए इसका जवाब देना अल्लाह को तो अमल किए नहीं किए पता चला अमल करो अमल में आगे रहो एक और हदीस से सही बुखारी जिसमें आता है कि प्यारे नबी मोहम्मद को लाया जाएगा कयामत के दिन और जहन्नम की आग में फेंक दिया जाएगा उसकी आग में निकल के आएगी हो वो आग के अंदर चक्कर काटने लगेगा जैसे कि गधा चक्की के चक्कर काटता है फैय तमी जहनमी उसके आस पास जमा होंगे मैं शानु कहेंगे ए फला क्या मामला है तुम्हारा अलई सा बिलमारूफ तुम तो वही हो ना हमें अच्छा काम करने बोलते थे वो तन्हा अनिल मुनकर बुरी चीज से तुम तो रोकते थे हमें वो कहेगा आमरुक बिलमारूफ वाला आती है मैं तुम्हें अच्छा काम करने कहता था लेकिन खुद नहीं करता था वह अनहानिलमुन कर ही वह आती ही तुम्हें बुरी चीज से रुकने बोलता था लेकिन खुद नहीं रुकता था तो यहाँ क्या हो गया उसका आग में है वो मेरे भाई मी बहने ऐसा नहीं होना चाहिए अमल के अंदर पीछे मत रहना जो आपको पता चल गया अल्लाह का एहसान है वो एहसास दिल में रखकर अल्लाह से दुआ करो और अमल के मैदान में आगे रहो ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें आई प्लस टीवी को जरूर डोनेट करें